हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए। एसएससी ने आज एक नोटिस निकाला है जिसमें एसएससी ये बताना चाहता है कि वो तीन ऐसी पोस्ट है जिसके लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। मतलब कि पहले तो शायद ये जो पोस्ट है ये एसएससी सीएचएसएल में या कॉन्स्टेबल जीडी में होती थी या एसएससी सीजीएल में होती थी, लेकिन अब से एसएससी इन तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो पहली एग्जाम जो है वो आपका जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू का जो पोस्ट है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, सेंसस के लिए जो पोस्ट होती है, जो होम मिनिस्ट्री में आती है, उस पोस्ट के लिए। और इसकी एग्ज़ाम होने वाली है 13 अगस्त 2022 को, ठीक है। और यहाँ पर एक डाउट होगा उन बच्चों के लिए जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सीजीएल जिन्होंने टीयर 1 क्लियर किया होगा, उनके मन में डाउट होगा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि 8 अगस्त को या 10 अगस्त को आपका स्टैट्स का पेपर होगा, जिसमें कि हमें उम्मीद है कि वो पोस्ट जेएसओ के लिए और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर एसएससी ये कह रहा है कि 13 अगस्त 2022 को वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए अलग से एग्ज़ाम लेगा। तो अब ये एडमिट कार्ड में पता चल पाएगा, अगर आप एलिजिबल हो एसआई ग्रेड 2 के लिए, तो हो सकता है कि आपके पास में जो एडमिट कार्ड आपको इशू होगा उसमें आपको 4 पेपर आप देने पड़ेंगे। मतलब कि क्वांटर इंग्लिश तो आपको देना ही है, और जेएसओ के लिए आपको स्टैट्स अलग देना पड़ेगा, 8 अगस्त को या फिर 10 अगस्त को होगा, और 13 अगस्त को आपका जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का पोस्ट है शायद उसके लिए अलग से पेपर हो। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर रहा कि, लेकिन जो नोटिस आया उसमें एसएससी यही कह रहा है कि द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर गिवन डिटेल्स। और जो पॉइंट नंबर 1 में आप देखोगे ना, तो वो उसमें लिखा हुआ है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2021। तो हमारा जो सीजीएल 2021 का ही एग्जाम चल रहा है, उसका टीयर 2 होना है, लेकिन टीयर 2 का जो डेट है वो 8 अगस्त है और 10 अगस्त है, जिसमें आपके पेपर 1 2 3 4 होना है। तो यहाँ पर हो सकता है एसएससी आपका जो एसआई ग्रेड 2 का पेपर है वो अलग से ले ले शायद 13 अगस्त को। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक्चुअल चीज़ क्या है वो तो आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तभी तो पता चलेगा। कई बच्चों का ये भी मन में डाउट है कि हमारा 8 अगस्त को पहले पेपर 1 पेपर 2 होगा या पेपर 3 या पेपर 4 होगा। तो देखो, वैसे तो पेपर 1 पेपर 2 पहले होता था, लेकिन लास्ट ईयर एसएससी ने ट्रेंड चेंज किया था, और स्टैटिस्टिक्स का और एओ वाला जो फाइनेंस अकाउंट्स का पेपर होता है वो पहले लेकर के क्वांट इंग्लिश बाद में लिया था। तो एडमिट कार्ड का ही वेट करो, 7-8 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और 10 दिन पहले आपको आपकी लोकेशन मालूम पड़ जाएगी, कहाँ आपका सेंटर आ रहा है, तो उससे भी आप अनुमान लगा पाएंगे। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है वो है कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल की पोस्ट होती है ड्राइवर के लिए, उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो भी एसएससी 21 अक्टूबर 2022 को करवाएगा, 2022 वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो ये अलग से एग्ज़ाम होगा। और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है AWO और TPO, तो ये AWO जो है वो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, और TPO है टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। ये 2 पोस्ट होती है, मतलब कि कंट्रोल रूम की पोस्ट है। और इसके लिए दिल्ली पुलिस के जो एग्जामिनेशन 2022 है वो 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2022 को होगी, ठीक है। तो एसएससी ने छोटा सा कैलेंडर निकाला, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एसएससी कुछ पोस्ट ऐसी जिसके लिए पर्टिकुलरली वो अलग से एग्जाम कंडक्ट करना चाहता है, शायद वो जल्दी रिक्रूटमेंट चाहता है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, इसलिए हो सकता है ऐसा किया जा रहा है। और एग्जैक्ट जो पोजीशन है फ्रेंड्स, वो तो अब एसएससी का जो आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी पता चल पाएगा, या फिर एसएससी खुद से कोई नोटिस निकाल दे और ये क्लैरिटी आपको दे दे कि जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम है, अब उसका एग्ज़ाम अलग से हो रहा है और जेएसओ के एग्ज़ाम अलग से होगा, वो एसएससी को खुद को क्लियर करना होगा एक्चुअली, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन बना रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा नोटिस था इसलिए आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।